और अब विस्तार से खबरों का रुख कर लेते हैं। भोपाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बड़ी बैठक बुलाई है। तो आरएसएस की ओर से ये बड़ी बैठक बुलाई गई। बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी पर मंथन किया जाएगा। आरएसएस शीर्ष पदाधिकारी भोपाल में जुटेंगे। संघ सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले इसमें शामिल होंगे। आपको बता दें कि अरुण कुमार और सुरेश सोनी भी रहेंगे मौजूद। बैठक में करीब 300 विषय विशेषज्ञों को भी बुलाया गया है। 3 दिनों तक लगातार चलेगा बैठकों का दौर। 2 जुलाई तक आरएसएस की यह बड़ी बैठक चलने वाली है। तो आरएसएस शीर्ष पदाधिकारी बैठक में जुटने वाले हैं। भोपाल में वो जुटेंगे, बैठक में शामिल होंगे। संघ स्तर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले भी इस बैठक में शामिल रहने वाले हैं। अरुण कुमार और सुरेश सोनी भी रहेंगे मौजूद। तो भोपाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मंथन किया जाना है। और आपको जानकारी दे दें कि 3 दिनों तक लगातार ये बैठकें चलती रहेंगी। नीलम हमारे साथ जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। नीलम, भोपाल में आरएसएस की एक बड़ी बैठक होने जा रही है यूसीसी कोड पर। जी बिल्कुल, देखिए अब जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मुद्दा है लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और इससे लेकर ही जो है आज भोपाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक बड़ी बैठक बुलाई है। 3 दिन ये बैठक चलने वाली है, जिसमें देश भर के विषय विशेषज्ञ जो है चर्चा करेंगे। खासतौर पर समान नागरिक संहिता के लिए जो 22वें विधि आयोग ने आम लोगों की जो राय मंगवाई है, संस्था और धार्मिक संगठनों से जो सुझाव मांगे गए हैं, तो उस पर भी आरएसएस की तरफ से अपने सुझाव दिए जाएंगे। बैठक में अगर हम बात करें तो जो संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले हैं, सर कार्यवाहक अरुण कुमार और सुरेश सोनी जैसे बड़े शीर्ष के पदाधिकारी जो है शामिल हो जाएंगे। 300 से ज्यादा जो है विशेषज्ञ जो है यहाँ पर 30 से ज्यादा विशेषज्ञ यहाँ पर शामिल होंगे, और उनके अलग अलग विषयों पर जो है चर्चा भी की जाएगी। तो जाहिर तौर पर एक बड़ी बैठक है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा लगातार जो है उठता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भी इसकी चर्चा तेजी से की जा रही है। तो ऐसे में ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। बिल्कुल नीलम, लेकिन बैठक चूंकि 3 दिन चलने वाली है, 2 जुलाई तक ये बैठक चलेगी, लेकिन अगर बैठक की हम बात करें कितने बजे से बैठक जो है वो शुरू होगी? जी देखिए, आज से जो है इस बैठक की शुरुआत की जाएगी, और करीब सुबह 11 बजे के आसपास जो है कार्यक्रम का शुरुआत की जाएगी। हम बात करें कि ये बैठक कहाँ होने जा रही है, तो जो संघ का एक यहाँ राजधानी भोपाल की केवर डेम के पास एक कार्यालय बना हुआ है, यहाँ पर जो है ये बैठक की जाने वाली है। और इसमें अलग अलग सेशन होंगे पहले दिन से, उसके बाद 2 दिन भी अलग अलग सेशन जो है किए जाएंगे, जिनमें सभी विषय विशेषज्ञ जो है उनसे राय ली जाएगी। इसके अलावा चूंकि हम ये भी देख रहे हैं कि इसका विरोध भी कई राज्यों में हो रहा है नीलम, लेकिन हालांकि कई राज्यों की ओर से इसको सराहा भी जा रहा है, ऐसे में भोपाल में आरएसएस की जो बड़ी बैठक होने जा रही है, क्या मायने इसके निकाले जाए? जी बिल्कुल, मायनों की अगर हम बात करें तो देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के पीएम मोदी भी कह चुके हैं कि लोगों के बीच में जो है इसको लेकर के जो भ्रम है उसे दूर करना बेहद जरूरी है, क्योंकि किसी भी देश में एक संविधान एक विधान ही चलना चाहिए। उन्होंने जो है उदाहरण देते हुए भी कहा कि अगर कोई घर में 2 भाई या 2 परिवारजन है तो उनके लिए अलग अलग रूल नहीं हो सकते, अलग अलग नियम नहीं हो सकते। पर जो भ्रम की स्थितियां विपक्ष फैला रहा है उसे स्पष्ट करने की जरूरत है, और इसी बात के मद्देनजर ये बैठक अहम भी हो जाती है, क्योंकि चाहे हम बात करें आने वाले दिनों में जिन 4-5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, और खास तौर पर लोकसभा चुनाव की, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल, और लेकिन ये जो बैठकें होने जा रही हैं भोपाल में, इसके बाद क्या रिजल्ट इसका निकल कर सामने आता है वो भी देखना होगा। बहरहाल नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य